बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू करते हैं। उम्मीद काफ़ी आप लोग खैर खैरियत से होंगे। इस टाइम 9 बजने वाले हैं और मैं जा रहा हूँ मिनिस्ट्री में। यार वो सैक जो है ना वो नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है मुझसे, ना मुझे मैसेज आ रहा है ना कुछ। कल एक बंदा करके गया, उसका हो गया, मेरा नहीं हो रहा। तो पहले मैं जाऊंगा नजमा, अगर नजमा से नहीं होता ना फिर मैं दोबारा वापस आऊंगा क्या नाम है रयान में। फिर रयान में ट्राई करूंगा, क्योंकि रयान में वो बोल रहा था कि हो गया है मेरा उधर से, और मेरे पास आईडी नहीं था। तो रात में फिर आईडी लेके आया हूँ वहाँ से। तो अब मैंने सोचा चलो मैं उधर चला जाता हूँ और हो जाए इंशाल्लाह। बाकी वो मेरे जो ऑफिस की ऑफिस का विज़िट था वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सक्सेस हो गया, और इंशाल्लाह 2-3 दिन तक मैसेज आएगा। फिर उससे इनके जो लेबर है जहाँ से वीज़े वगैरह का प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे फिर जाके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं हमने, और डॉक्यूमेंट जमा करा के फिर वेट करेंगे, देखते हैं फिर कितने वीज़े देते हैं। वीज़ों की बड़ी टेंशन है मुझे, क्योंकि बंदे आएंगे तो काम करेंगे तो कुछ होगा ना, बनेगा ना कुछ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बंदे बुलाऊँ। अब मैंने वो टाइम वेस्ट नहीं करना कि सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जहाँ से मिलते हैं उसी दिन हायरिंग कर दूँगा, फिर दोबारा अप्लाई करूँगा मैं वीज़े। और लड़कों की WPS भी रहती है, वो भी मैंने क्लियर करनी है, उनको भी मैंने ट्रांसफ़र करना है। उनके कार्ड आ गए हैं, जो पे कार्ड होते हैं सैलरी कार्ड, वो आ चुके हैं उनके। तो इंशाल्लाह फिर वो ले के फिर काम करते हैं। फिलहाल मैं वहाँ नजमा जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके ट्राई करता हूँ, अगर वहाँ पे अल्लाह करेगा वहाँ पे हो जाएगा, अगर वहाँ पे ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह फिर मैं रयान में आऊँगा। आज इसको ना क्लियर करते हैं, और कोई काम है नहीं। कल 4 लड़कों की ज्वाइनिंग में दे आया था, उनकी आज आईडी आनी है। 2 कार वाले हैं और 2 बाइक राइडर हैं, और 3-4 अभी कार वालों ने आना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है 10 से 12 जो है वो कार वाले हो जाएंगे हमारे पास। उनको तो उनकी डिमांड तो 20 है, लेकिन बस चलें ये है कि 50% उनको कंप्लीट कर देंगे, लेकिन बाइक राइडर जो है वो 2 महीने का उन्होंने टाइम दिया है कि आपने 20 पूरे करने हैं। तो इंशाल्लाह हो जाएगा 20। इस टाइम हैं तकरीबन कोई 13-14 हैं, और 2-4 ने कहा है इनसाइड हैं, वो कहते हैं कि हमने ट्रांसफ़र होना है। मैंने कहा आ जाओ ट्रांसफ़र जल्दी जल्दी, बाइक नहीं है बाइक भी मिल जाएगी, पैसा नहीं है पैसा मिल जाएगा, कुछ भी चाहिए आ जाओ। तो वो जब 20 ओके हो जाएंगे फिर टेंशन फ्री थोड़ा सा इसलिए हो जाऊंगा, रिलैक्स हो जाऊंगा, फिर मैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लगूंगा। जैसे रफीक है और डिलीवरो है, कैरेज है, दूसरी और भी 2-3 कंपनियां हैं, तो उनके पीछे लगूंगा। तो फिर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके फिर उनको बंदे पूरे करके दूंगा। तो एक काम के पीछे लगा हूँ, इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दुआ करें वो मेरा जल्दी हो जाए। तो वो अगर हो जाता है जल्दी तो इंशाल्लाह फिर प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा, काम मज़ीद जल्दी हो जाएगा। फिलहाल मैं उधर जा रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर आप लोगों को अपडेट देता हूँ मैं। यार गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, और मैंने सोचा चलें पेट्रोल में डलवा लेता हूँ। तकरीबन 3-4 दिन चल जाता है, ज़्यादा भी चल जाता है, ये काम पे डिपेंड करता है। फिलहाल कार से तो सस्ता है, क्योंकि अगर 20 रियाल का डालूंगा तो 4 दिन तो निकल जाएगा ना। फुल ब्रो आदि सो फुल 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 सिल्वर 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 हाँ हाँ ऑनलाइन नहीं नहीं ऑनलाइन नहीं है, कैश है।
मैं उसमें फिलिंग करवाता हूँ। हाँ क्या करेगा अभी, कैमरा नहीं लगाएगा तो। किधर से, कहाँ से हो? हाँ फिलिंग करवा के इंशाल्लाह फिर आप लोगों को अपडेट देता हूँ मैं। स्टैंड मैंने ऊपर नहीं की थी, उसका एकदम धक्का लगा है। चले जी, फिलिंग मैंने करा ली है, अभी मैं फिर जा रहा हूँ उधर और यहाँ से मैं यू टर्न मारता हूँ। वो मुझसे पूछ रहा था कि ये कैमरा क्या है, मैंने उसको बोला मैं मीडिया के अंदर हूँ, न्यूज़ चैनल में। बाज़ औक़ात इनको ना यूट्यूब के चैनल्स का पता नहीं होता, इतने भी सादे लोग अभी तक मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर, तो फिर उनको या तो डिटेल में समझाना पड़ता है या फिर जान छुड़ानी पड़ती है। यार मैं मिनिस्ट्री वाली जगह पे पहुंच गया हूँ, यहाँ पे मैं बाइक पार्क करता हूँ और अंदर जाके फिर इंशाल्लाह मैं अपडेट लेता हूँ। अल्लाह करेगा आज काम हो जाएगा इंशाल्लाह। गवर्नमेंट सर्विसेज कॉम्प्लेक्स, यार मैं इधर से होके जा रहा हूँ तो वो बोल रहे हैं जी सिस्टम डाउन है, जिसकी वजह से ना काम नहीं हो सकता है। अफ्तरनून बोल रहा है, अफ्तरनून। तो अभी फिर मैं जा रहा हूँ रयान वाली जगह पे, वहाँ पे भी इनका सेम ही सिस्टम है, वहाँ पे सैक काम करता है। थोड़ी देर पहले मैंने वो पीआरओ को फ़ोन की थी तो वो बोल रहा था ममूरा के अंदर नहीं करते वो लोग, रयान में चूँकि सेंटर बड़ा है तो वहाँ पे करते होंगे। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ जी, क्या करें, नाश्ता कर लें, निश्ता निश्ता, चले नाश्ता करते हैं भाई साहब। नाश्ता करके फिर मैं निकलता हूँ और बताता हूँ फिर आप लोगों को। यार नाश्ता मैंने कर लिया और अब मैं बाहर जा रहा हूँ। पहले लास्ट टाइम भी मैंने यहीं से किया था, बांग्लादेश का रेस्टोरेंट है ये। अभी मैं मंसूरा नजमा से निकल रहा हूँ, इसको तो देर है, फिर मैं रयान में ट्राई करता हूँ। रयान में जो है ना वो मिनिस्ट्री जो है वो बड़ी है, उसके अंदर तकरीबन सब काम हो जाते हैं, तो मैं उधर ट्राई करता हूँ, नहीं तो आफ्टरनून फिर 12 बजे के बाद फिर दोबारा ट्राई करता हूँ। अल्लाह करे आज हो जाए इंशाल्लाह। और आज ड्राइवर्स की आईडीज़ भी आ जाएंगी, उनका क्या नाम है, उनको फिर ज्वाइनिंग देनी है। ये जो बाइक मैं चला रहा हूँ ना कोई इशारा है ना कोई है भाई, ऐसे बस घुमा फिरा रहा है। इस जो ये बाइक चला रहा हूँ मैं, इस पे बॉक्स लगाना है और दूसरी एक बाइक है उस पे वो लेनी है, उस पे भी बॉक्स लगाना है। तो बाकी देखेंगे, दो तीन और बंदे आ रहे हैं, उनका फिर वेट करेंगे हम इंशाल्लाह। फिलहाल तो टाइम पास करना है ना, टाइम पास करेंगे। आज पूरा दिन वेट किया, तकरीबन कोई मैं 8 बजे से लगा हूँ और 3 बज रहे हैं, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 घंटे। और 6 घंटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है भाई, अब उनका काम हो गया है, टेंशन परेशानी ख़त्म। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गवर्नमेंट में रजिस्टर हो गया है मेरा और सनोनों का। अब ये है कि आगे इंशाल्लाह कोई भी मसला नहीं आएगा, अब उसका वेट करते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपना वीज़े का भी वो हो गया है, विज़िट हो गया है, ये अक्द भी हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट भी ओके हो गया है, अब सिर्फ वीज़ा आना बाकी है। दो तीन वो बोल रहे हैं मैसेज आएंगे तो फिर दोबारा चलेंगे वहाँ पे। तो इंशाल्लाह अल्लाह करीम है। अभी मैं इधर आई हूँ, ये सामने वैन है फ्यूचर क्रिएटिव ग्रुप के नाम से, ये एक टाइपिंग सेंटर है चलता फिरता,
तो यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन कराता हूँ। स्कैन करके मैं वो पीआरओ को भेजता हूँ, उसको भी दिखाता हूँ कि भाई तुम थारे बगैर हमने काम कर लियो है। हाँ, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करते हैं, काम में नहीं जाएंगे, काम को समझेंगे नहीं, किसी दूसरे के भरोसे में रहेंगे, तो काम लेट भी होगा और आप सारी ज़िंदगी सीखेंगे भी नहीं। तो अपने काम को खुद सीखना चाहिए, ये कोई इतना कोई बड़ी साइंस नहीं है। बस एक दो दफ़ा जाएंगे, पूछ पूछ के बंदा सीख जाता है, वो इंग्लिश हो चाहे अरबी हो चाहे फारसी हो चाहे डच हो, कुछ भी हो। और कंप्यूटर यूज़ करने से, पूछने से, शागिर्दी लेने से ही सीखता है कोई भी काम हो। तो अपना काम जो है आहिस्ता आहिस्ता हम सीख रहे हैं, हर चीज़ का पता चल रहा है। तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद लोग आएंगे हमसे पूछने के लिए। फिलहाल मैं जाता हूँ, ये सामने डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ से स्कैन कराता हूँ और सुनो के ऑफिस चलते हैं। यार मैंने वो करवा ली है, क्या नाम है, स्कैन, और अभी मैं जा रहा हूँ सुनो के ऑफिस में। और वहाँ पे एक एग्रीमेंट उसको दूंगा, एक मैं अपने पास रखूँगा ओरिजिनल। दो उसने बना के दिए हैं, दोनों पे साइन करके दिए हैं। 200 रियाल फीस ली है उसने, और मामला हल हो गया है। मेरा क्रेडिट कार्ड यार कोई बंदा ना पाकिस्तान से मिसयूज़ कर रहा है। अब वो अमाउंट तो बड़ी नहीं कर पा रहा, वो शायद उसके को बाज़ का काम के लिए क्रेडिट कार्ड की पिक्चर भेजते हैं ना, तो लीक हो गई होगी, तो बंदे फिर लगे हुए हैं पैसा निकालने के लिए। लेकिन मैं उसको ब्लॉक कर दिया है, मैंने उसको ज़्यादा नहीं कर सका है, वो बस 30-40 रियाल का नुकसान किया है उसने। तो फिर मैंने जब मैसेज पे गौर किया तो मैसेज दूसरे आ रहे थे, मैंने फिर हेल्पलाइन पे कॉल की और उसको ब्लॉक कर दिया है। अब मैं नया क्रेडिट कार्ड इशू कराऊंगा, अब देखते हैं उसकी फ़ीस क्या है और उसका तरीक़ाकार क्या है। फिलहाल मैं सुनोनो के ऑफिस में जाता हूँ, फिर साथ ही है बैंक, उधर भी जाऊँगा मैं इसको दोबारा इशू कराने के लिए, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है, क्रेडिट कार्ड के बगैर। यारा सुनोनो के ऑफिस से मैं बाहर निकल रहा हूँ और वो मैंने दे दिया एक एग्रीमेंट उसको और एक मेरे पास है। अभी मैं जा रहा हूँ रूम पे, काम ख़त्म हो गया है, आज का दिन ढल रहा है और हम रूम पे जा रहे हैं। तो ओ हो, शुक्र है याद आ गया मुझे, 3:35 हैं, 3:35। मैं बैंक से होता हुआ जाऊंगा क्योंकि मैंने अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो डीएक्टिवेट किया। चलो शुक्र है वो मुझे याद आ गया, उसको ना मैं दोबारा रिक्वेस्ट देता हूँ बनाने के लिए बैंक में। बस कर दे भाई, गुजर जा। यहीं पे करीब ही बैंक है, उस टाइम मुझे याद था, अभी दोबारा मैं वो बिल्डिंग मैंने देखी है तो मुझे याद आ गया कि वो यार क्रेडिट कार्ड वाला काम तो करना है। जो अब डीएक्टिवेट कर दिया वो तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसकी जो प्राइवेसी है वो लीक हो गई है और वो मिसयूज़ हो रहा है, थोड़े थोड़े पैसे काट रहा है, वो ज़्यादा पैसे नहीं काट सकता, ज़्यादा पैसे पे OTP मांग रहा है। उसने शॉपिफाई पे भी शॉपिंग करने की कोशिश की है मेरे पैसों से, हराम खोर। और है यूज़ पाकिस्तान में ही हो रहा है, किसी न किसी तरीके से उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन पहुँची है, लेकिन वो उससे पहले मैंने ज़्यादा वो इस्तेमाल करे उससे पहले मैंने उसको डीएक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पे कॉरपोरेटिव जो है, कॉरपोरेटिव बैंक वो एक ही है इस एरिया के अंदर सलवा रोड पे, तो अंदर जाके इधर भी झींगा लांगा करना पड़ेगा, रश है, लेकिन फिर क्या करें, गुजारा तो करना पड़ेगा भाई, काम तो करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहीं पे पार्क करता हूँ बाइक को और फिर मैं जाता हूँ QNB बैंक।
यार बैंक से मैं वापस जा रहा हूँ, तकरीबन 69% जो है वो वेटिंग में थे भाई, 69% वेटिंग में थे बॉस। तो मैंने उससे बात की, वो बोलता है सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जैसा पहला अप्लाई के टाइम पे लगा था। तो चले, मैंने कहा कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा जो है वो बोलता है मैं अपॉइंटमेंट लेके देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स बना के देता हूँ अनीश को बोल के, तो शाम को आओ डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ। और क्या नाम है, वकरा में अपॉइंटमेंट लेके दूंगा, वकरा जाओ, वहाँ पे रश नहीं होता, टोटल 10 बंदे होते हैं, वहाँ पे जल्दी काम हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, इतना कोई मुझे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, जब तक इसमें अमाउंट भी थोड़ा है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो अभी मैं रूम पे जा रहा हूँ, ब्लॉग को फिर एंड करते हैं। उम्मीद काफ़ी है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछ सकते हैं, जितना मेरे इल्म के अंदर होगा इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।